जय हिंद दोस्तों। खेलों के महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स गेम में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब सिर्फ कुछ ही महीने बाद सन 2024 के ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग नजर डालते हैं भारत का अब तक का कैसा प्रदर्शन रहा है सभी ओलंपिक गेम्स में जहाँ पर भारत ने पार्टिसिपेट किया है। भारत ने शुरुआत किया है यहाँ पर सन 1900 से पार्टिसिपेट करना, और जो पिछला ओलंपिक रहा है सन 2020 में, उस तक भारत ने कैसा प्रदर्शन किया है और भारत के वे कौन से एथलीट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर भारत को पदक दिलाए हैं इन सभी ओलंपिक गेम्स में। तो अगर हम लोग नजर डालें, भारत ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में सन 1900 में, जहां पर भारत की जो टीम थी उसमें सिर्फ एक ही एथलीट शामिल थे, उनका नाम था नॉर्मन पिचर्ड। और यहां पर उन्होंने इस ओलंपिक में जाकर दो पदक भारत को दिलाए थे। भारत तब तक ब्रिटिश जो शासन है उसके अधीन था, और तभी भारत ने यहाँ पर पहला पदक जीत लिया था ओलंपिक्स में। और नॉर्मन पिचर्ड ही पहले एशियन भी थे जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई मेडल यहाँ पर जीता हो। इसके बाद अगर हम लोग नज़र डालें, भारत ने 1900 में नॉर्मन पिचर्ड को भेजने के बाद सन 1920 तक किसी भी ओलंपिक्स में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। सन 1920 में भारत ने पहली बार एक टीम भेजी समर ओलंपिक में 1900 के बाद, और जहाँ पर भारत ने पार्टिसिपेट किया, और इसके बाद के सभी ओलंपिक गेम्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद अगर हम लोग फील्ड हॉकी की बात करें, तो फील्ड हॉकी काफ़ी एक डोमिनेंट स्पोर्ट्स रहा है भारत के लिए ओलंपिक में, जहां पर सन 1920 से लेकर 1980 तक भारत ने यहां पर 11 मेडल्स जीते हैं, जहां पर 12 ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम गई है, उनमें से 11 में ही उन्होंने पदक जीता था, जहाँ पर उसमें से 8 गोल्ड मेडल्स हैं और 6 गोल्ड मेडल तो लगातार आए थे सन 1928 से 1956 तक। अगर हम लोग देखें यहाँ पर भारत के जो पहले एथलीट है जिन्होंने पदक जीता है, उनका नाम है नॉर्मन पिचर्ड। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, इन्होंने सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में ये पदक जीता था, और इन्होंने दो सिल्वर जीते थे इस ओलंपिक में, एक था मेंस 200 मीटर हर्डल्स में और एक था मेंस 200 मीटर्स में। इसके अलावा इन्होंने 60 मीटर्स और 100 मीटर्स में भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मन पिचर्ड ही हैं वो पहले एथलीट जो एशिया से कोई मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। इसके बाद अगर हम लोग फील्ड हॉकी टीम की बात करें, तो जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर 1928 से लेकर 1980 तक भारत ने 11 बार पदक जीते हैं फील्ड हॉकी में ओलंपिक्स में, जहाँ पर 1928 से लेकर 1956 तक तो ये जो 6 थे ये गोल्ड मेडल थे भारत को हॉकी में, और लगातार यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आप लोग नज़र डाल सकते हैं सन 1928 समर ओलंपिक्स के जो भारतीय हॉकी टीम थी उसका एक पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तभी भारत के जो हॉकी खिलाड़ी थे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और आप सभी को मेजर ध्यानचंद के बारे में तो पता ही है, वे हॉकी के जादूगर थे, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, और वे भी इस दौरान भारतीय टीम का हिस्सा थे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो हॉकी के अलावा सन 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत को जो इंडिविजुअल इवेंट है उसमें दूसरा पदक मिला था नॉर्मन पिचर्ड के बाद, और ये दिलाया था रेसलिंग में भारत को खसाबा दादा साहेब यादव ने, और इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनका जो पिक्चर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सन 1996 में एक और इंडिविजुअल इवेंट में भारत को पदक मिला, जहाँ पर टेनिस में ब्रॉन्ज दिलाया था भारत को भारत के स्टार टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने। और इसी ओलंपिक्स के बाद और भारत का जो पदक का सूखा था ओलंपिक्स में कुछ हद तक कम हुआ था, और इसके बाद के ओलंपिक्स में भारत को कोई ना कोई पदक मिलता रहा है, जहां पर सन 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में भारत को यहां पर ब्रॉन्ज दिलाया था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने वेट लिफ्टिंग में। इसके बाद अगर हम लोग नजर डालें, 2004 एथेंस ओलंपिक्स में भारत को यहाँ पर शूटिंग में पहला सिल्वर यहाँ पर मिला था, जहाँ पर भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यहाँ पर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। इसके बाद अगर हम लोग 2008 बीजिंग की बात करें, तो इसमें तो भारत ने काफ़ी पदक जीते हैं, जहां पर अभिनव बिंद्रा का हिस्टोरिक गोल्ड मेडल भी इसी ओलंपिक्स में आया था। इसके अलावा सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था भारत को, और विजेंद्र सिंह ने यहां पर बॉक्सिंग में एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया था। इसके बाद अगर हम लोग सन 2012 लंदन ओलंपिक्स की बात करें, तो यहाँ पर शूटर विजय कुमार ने भारत को सिल्वर दिलाया था। इसके साथ रेसलर सुशील कुमार ने अपना दूसरा पदक जीतते हुए यहाँ पर रेसलिंग में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था, और साथ ही यहाँ पर बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था 2012 में। इसके बाद सन 2012 में ही अगर हम लोग देखें, तो ब्रॉन्ज एक दिलाया था शूटिंग में भारत को गगन नारंग ने। इसके बाद बॉक्सिंग में भारत की स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता था, और साथ ही रेसलिंग में योगेश्वर दत्त ने भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स की, तो यहाँ पर पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को एक सिल्वर मेडल दिलाया था और साथ ही रेसलिंग में भारत की साक्षी मलिक ने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद अगर हम लोग 2020 समर ओलंपिक्स जो कि टोक्यो जापान में हुए थे उसकी बात करें, तो यहाँ पर भारत ने अपना लार्जेस्ट एवर कंटिंजेंट यहाँ पर भेजा था 126 एथलीट्स का, और यहाँ पर यह भारत का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स रहा है आज तक का, जहाँ पर भारत ने कुल 7 पदक यहाँ पर जीते हैं जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल थे। भारत के एथलीट्स ने यहाँ पर 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था और इसमें 18 एथलेटिक डिसिप्लिन शामिल थे। इसके बाद अगर हम लोग नज़र डालें इंडिविजुअल प्लेयर्स पर जिन्होंने यहाँ पर मेडल दिलाया है भारत को, तो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के आखिरी दिन का वो नज़ारा कौन भूल सकता है, जहाँ पर भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर भारत को एक हिस्टोरिक गोल्ड मेडल दिलाया था एथलेटिक्स में। इसके बाद ओलंपिक्स की शुरुआत में ही भारत का जो पदक का जो तालिका है उसकी शुरुआत की थी वेटलिफ्टर साइखोम मीराबाई चानू ने सिल्वर के साथ। इसके बाद यहाँ पर जो एक अप्रत्याशित पदक भारत को मिला था जिसकी उम्मीद शायद ही दर्शकों ने की थी, वो था रेसलर रवि कुमार दहिया का, जिन्होंने रेसलिंग में मेंस फ्रीस्टाइल 57 केजी में एक सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था। इसके बाद पीवी सिंधु ने अपना दूसरा ओलंपिक मेडल जीतते हुए यहाँ पर बैडमिंटन में एक ब्रॉन्ज जीता था टोक्यो में। इसके बाद यहाँ पर एक भारत की जो पदक बॉक्सिंग में मिली थी, जहाँ पर भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई ने यहाँ पर बॉक्सिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था, और साथ ही रेसलर बजरंग पुनिया ने, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, उन्होंने भी यहाँ पर मेंस फ्रीस्टाइल 65 केजी में रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता था। लेकिन इस ओलंपिक की सबसे खास बात थी भारत की हॉकी टीम यहाँ पर एक ब्रॉन्ज जीत पाई थी काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर, और ये भारतीय टीम का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था टोक्यो 2020 में और इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया था। तो अगर हम लोग कुल पदक तालिका पर नज़र डालें तो भारत ने आज तक 10 गोल्ड 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज जीते हैं, और कुल पदक की भारत की तालिका है 35 जो कि 1900 से लेकर सन 2020 के ओलंपिक्स में भारत ने जीता है। और 2024 के ओलंपिक्स के लिए भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, हम सभी को उम्मीदें हैं भारत टोक्यो से भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा इस बार, और भारत के सभी एथलीट्स खासकर यहाँ पर शूटर्स से भारत को काफ़ी उम्मीदें हैं वो ये अच्छा प्रदर्शन करें और भारत को और ज़्यादा पदक दिला सके इस बार के ओलंपिक्स में भी। तो इसी तरह के और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी जो हौसला है वो बढ़ती है और हम और भी ज़्यादा ऐसे वीडियो लाने के लिए उत्साहित होते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।